सिवान के आरपीएफ इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह का तबादला कर दिया गया है। आपको बताते चले कि अजय कुमार सिंह सिवान जंक्शन पर आरपीएफ में इंस्पेक्टर थे, लेकिन अजय कुमार सिंह का तबादला मऊ कर दिया गया है। अब यहाँ पे यानी कि सिवान जंक्शन पे जो आरपीएफ थाना है उसके नए इंस्पेक्टर के तौर पर अजय कुमार यादव को यहाँ भेजा गया है। आज विदाई समारोह का आयोजन किया गया था अजय कुमार सिंह जो कि यहाँ पे पहले आरपीएफ के इंस्पेक्टर थे, उनकी विदाई धूमधाम से यहाँ पे किया गया और उसके बाद तमाम उसमें बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि सिवान के जंक्शन के आपको हम आपको दिखा रहे हैं जो कि आरपीएफ थाने के पास की है, जो किस अंदाज में यहाँ पर विदाई समारोह का आयोजन अजय कुमार सिंह जो कि आरपीएफ के इंस्पेक्टर के तौर पे यहाँ पे रह चुके हैं, अच्छे तरीके से थाना को चलाने का काम किया, आज उनका विदाई समारोह का आयोजन हुआ क्योंकि अब उनका तबादला मऊ हो चुका है और अब नए आरपीएफ इंस्पेक्टर के तौर पर अजय कुमार यादव ने पदभार ग्रहण कर लिया। आगे अब देखना होगा कि इनकी प्राथमिकताएं क्या कुछ होती हैं और कैसे यहाँ पे आरपीएफ थाने को चलाते हैं, या तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। एटीएन लाइव के लिए मंटू ओझा और चंदन कुमार की रिपोर्ट। ठीक है। सर एक मिनट रुके, आप पीछे ही पीछे ही पीछे देखिए सर, आप भी आ जाइए। ओके इधर देखिए, इधर देखिए, इधर 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 देखिए। ओके देखिए देखिए ऐसा आशीर्वाद मैं पुनः चाहूँगा कि भाई आरपीएफ पोस्ट सिवान को आप लोगों का यथासंभव सहयोग मिलता रहे और इस सब अब आप सभी लोगों को मतलब आप साहब आरपीएफ रेल मैं चाहूँगा कि मैडम का मोबाइल पीछे कर दीजिए, आप बैठें, एक वहाँ लगा दीजिए। कहा गया है घर में सर पत्नी ठीक है ना, सब पीछे साहब अच्छे हैं तो इसके पीछे सबसे बड़ा राज है मैडम बहुत, तो कोई मतलब सर आज आपके जी आर पी रेलवे स्टेशन पर आज आपका विदाई समारोह रखा गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए यहाँ 4.5 साल का हमारा पीरियड रहा और काफ़ी अच्छी तरह से पोस्ट का संचालन किया गया। सिवान की धरती बहुत ही पवित्र धरती है, यहाँ के रहने वाले जितने भी लोग हैं सब बहुत ही बड़े दिल वाले हैं और उनके सहयोग से ही, आरपीएफ मित्रों के सहयोग से, जितने भी यहाँ सुपरवाइजर्स हैं उनकी अच्छी तारतम्यता और समन्वय के दृष्टिकोण से ही ये 4.5 साल का समयावधि अच्छी तरह से पूर्ण हुआ है। निश्चित रूप से यहाँ से जाना तो एक निश्चित रूप से एक दर्द भरी बात है, लेकिन स्थानांतरण तो एक प्रक्रिया है, उसको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ के लोग ने सहयोग किया वो निश्चित रूप से हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। सिवान के लोग तो के लिए तो मैं यही कहूँगा कि कुछ लोग हैं जो सांचे में ढल गए, सिवान के लोग ऐसे हैं जो सांचे बदल लिए।